everyone, welcome back to my channel and welcome back to another exciting video. And ये आज का जो video है ये मैं पूरी हिंदी में बताने वाली हूँ. And अगर कुछ गलती होता है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा. मैं ये video हिंदी में बनाने वाली हूँ क्योंकि मैं इस पे गोवा related कुछ information share करने वाली हूँ आप सबके साथ. And ये information गोवा के जिस resort पे हम लोग रहते थे जब हम लोग गोवा विजिट किए थे, तो उस रिसोर्ट के बारे में मुझे कुछ बताना है आप सबसे. कुछ अच्छी बातें, कुछ बुरी बातें, कुछ रिव्यू बेसिकली जो आपको हेल्प कर सके जब आप गोवा जाओ. और अगर आपको ये रिसोर्ट बुक करना हो तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, शायद वो थोड़ी बहुत आपको हेल्प कर सके. इसके लिए मैं शेयर करूंगी. ये वीडियो आज मैं हिंदी में बनाने वाली हूँ ताकि मेरी जो सब्सक्राइबर्स है, शायद उनमें से बहुत ऐसे भी लोग हैं या फिर जो अभी वीडियोस को मेरे वॉच कर रहे हैं, इनमें से भी शायद लोग ऐसे हैं जिनको बंगाली समझ में नहीं आती है, तो ताकि उनको भी थोड़ा समझ में आए एंड उनको भी कुछ हेल्प हो जाए, इसीलिए मैं ये वीडियो हिंदी में बनाने वाली हूँ. तो चलिए आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करती हूँ वीडियो. पूरी रिसोर्ट में आपको घूम के दिखाने वाली हूँ. अभी ध्यान से देखिएगा एंड सारे इन्फॉर्मेशन रिसोर्ट रिलेटेड मैं वीडियो में बताने वाली हूँ. जैसे जैसे मैं वीडियो पे पूरा रिसोर्ट दिखाऊंगी उसी वक्त आपको मैं बताऊंगी. तो देखते रहिए. एंड अगर आप चैनल पे न्यू है एंड आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है. या फिर आपको अगर कुछ दूसरा कंटेंट चाहिए या फिर कुछ और टाइप ऑफ वीडियोस चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा. और मैं कुकिंग पे थोड़ी इंटरेस्ट दिखाती हूँ, तो अगर आपको मेरी कुकिंग भी पसंद आई, मैं शॉर्ट्स भेज बहुत शॉर्ट्स छोड़ती हूँ कुकिंग की मेरी, तो अगर आपको वो भी पसंद आए तो ज़रा देख लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा. थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल. सो लेट्स सो ये रहा हमारा विला. एंड मतलब ये रेड वाला हम लोगों का था, बट ये जो टोटल एरिया है इसका नाम था क्रीसेंट विला. क्रीसेंट विला के अंदर घुसने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स हुए हैं जो अलग अलग विलाज है एक्चुअली. एंड हम लोगों का विला का नाम था समारा विला. एंड ये अभी फ्रंट आपको दिखाया, अभी हम लोग बैकयार्ड में जा रहे हैं. बहुत सुंदर डेकोरेशंस था, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट्स था, लेकिन एक चीज़ है कि कुछ भी मेंटेन्ड नहीं था. मतलब ऐसे धूल थे बाहर जो भी थे ना, बहुत उतना अच्छा मेंटेन्ड नहीं था. लेकिन जब हम लोग घुसे अंदर रूम के, मतलब हाउस के अंदर घुसे, तो रूम्स वगैरह बहुत पसंद आए थे. ये रूम था सबसे बड़ा रूम एंड इसका बाथरूम भी बहुत बड़ा था एंड बाथटब भी था. एंड ये एक रूम लेफ्ट हैंड साइड में जो रूम था वो बेसिकली क्लोज्ड था. आई थिंक वो स्टोरेज का कुछ है उन लोगों का जो वो लोग बंद रखते हैं. ये है एक बाथरूम जो बहुत ही खूबसूरत था एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत क्लीन भी था. बाथरूम सिर्फ नहीं, रूम्स वगैरह सब क्लीन थे जो कि अंदर थे, लेकिन जैसे मैंने बताया बाहर जो भी चेयर्स वगैरह रखे हुए थे वो उतना क्लीन नहीं था. ये है सेकेंड वॉशरूम हम लोगों का. ये भी बहुत खूबसूरत था एंड डेकोरेशंस बहुत अच्छे से किया गया था. यहाँ पे एक ड्रायर था जिससे आप यू नो कपड़े सुखा सकते हो जल्दी. रूम के ठीक बाजू में ही ये वाला था बाथरूम. एंड यहाँ पे सारे डेकोरेशंस के जो चीज़ें थे वो बहुत ही महंगे थे. ये है डाइनिंग स्पेस हम लोगों की एंड इस पे जो कर्टन्स लगे हुए थे वो भी बहुत खूबसूरत था एंड बहुत ही यूनिक कलेक्शंस था चीज़ों का. बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट से उन लोगों ने डेकोरेट किया है. ये जो गेट है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, ये बैकयार्ड से आने का है एंड दूसरा भी एक गेट है, सो दो गेट्स है. ये था किचन जहाँ पे एक फ्रिज था, एक माइक्रोवेव था, एक टोस्टर था, एक किटली था एंड बर्तन भी थे. हम लोग का यहाँ पे दो कुक आते थे मॉर्निंग को एंड एक कुक को आप जो भी बताओगे वो कुक करके जाते थे. यूजुअली हम लोग कुक नहीं करवाए बिकॉज हम लोग को बाहर का खाना खाना था. गोवा घूमने आए हैं हम लोग, घर पे बैठ के नहीं खाएंगे इसीलिए. एंड यहाँ पे देखिए बहुत ये सारे जो है ये असली उड का है. यहाँ पे प्लांट्स थे. मुझे डेकोरेशन सच में बहुत पसंद आया था, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम सबको ही पसंद नहीं आया था. जैसे कि फर्स्ट थिंग इज़ जो ओनर थे उनके बिहेवियर अच्छे नहीं थे. अच्छे नहीं थे एज इन फर्स्ट तो अच्छे थे, लेकिन उसके बाद वो रेस्पॉन्स नहीं करते थे. जब भी हम लोग कॉल करें या फिर व्हाट्सअप करें, उनको बार बार 10 से 15 बार कॉल करने के बाद वो कॉल उठाते थे.
एंड जो स्विमिंग पूल था उस पर बिल्कुल भी हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए बिकॉज वो ख़राब हो गया था एंड उसको पूरा ठीक करना था उन लोगों को एंड उसी वक्त ठीक करना था। तो स्विमिंग पूल का जो पैसे हम लोगों ने दिया था उसके रिगार्डिंग बात करते करते ओनर बहुत ही चिल्लाने लगा हमारे ऊपर, बट फाइनली जाके एक सेटलमेंट पे वो आए, दैट इज़ कि हम लोग को जो एक डिनर लंच कुछ भी हो जो एक फ्री में मिलेगा उनसे, जो कि एक्चुअली ऐसा सेटलमेंट होता नहीं है बिकॉज पूल का अलग ही मज़ा होता है गोवा में जो हम लोगों ने नहीं ले पाए। एनीवे हम लोग डिनर ले लिए थे लास्ट डे को, जिस पर मैं बाद में आती हूँ। पहले आप लोग ये देख लीजिए सुंदर सा, ये सीढ़ी ऊपर जाता है, सीढ़ी से ऊपर जाके मतलब बेसिकली नीचे का रूम जो हम लोग जहाँ से हम लोग एंट्री करते हैं वहाँ पे बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट था जो आपने देखा कुछ देर पहले वीडियो में, एंड दूसरे साइड पे था डाइनिंग स्पेस एंड किचन, एंड फिर ऊपर आके सीढ़ी से एक रूम जो आपको अभी दिखाया, ये दोनों रूम बाजू में थे। ये एक रूम है, ये भी बहुत खूबसूरत है, छोटा है, ये बड़ा नहीं है, जो पहला वाला रूम दिखाया वो सबसे बड़ा था, ये छोटा रूम है बट ये भी खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। एंड इसके बाजू में और एक रूम है वो भी बहुत खूबसूरत है। सो बेसिकली पूरा विला को मिलाकर तीन रूम्स थे, एक थोड़ा सा बड़ा था, दो नॉर्मल साइज़ का था, एंड टू वॉशरूम्स थे एंड एक कॉमन बाथरूम था जो नीचे था, जिसका मैं वीडियो करना भूल गई, आई एम रियली सॉरी। वो छोटा सा था, ज़्यादा लंबा सा नहीं था, एंड ये पूरा मतलब पूरा विला में यही सब कुछ था। एंड मैंने थोड़ा कोशिश किया है रात का भी जो व्यू है वो लेने का, सो बहुत ही अंधेरा था तो ज़्यादा लाइट वगैरह नहीं थे उस विला पे, मतलब विला पे एज़ इन की जो विला के एंट्रेंस का जो रास्ता है वहाँ पे उतना लाइट नहीं था। तीन दिन मिला के हम लोग थे तो तीन दिन का पर हेड 5000 ऐसा कुछ लगा था। एयरबीएनबी से हम लोगों ने बुक किया था जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी ताकि आप लोग इसको चेकआउट कर सको, एंड अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बुक कीजिएगा। लेकिन हाँ, मैंने जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस था मैंने दोनों को ही शेयर किया है बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों को भी सेम इशूज़ या प्रॉब्लम्स आए। सो पहले से जान के या फिर जब ओनर से बात करेंगे तो इस सब चीज़ों को लेके बात करके उसके बाद जाना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। सो आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट पे बता दीजिएगा, एंड अच्छा ना लगे तो भी बता दीजिएगा ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। एंड लास्ट में मैं कुछ पिक्चर्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं अपना जो रूम था, मेरा खुद का जो रूम था उसका भी वीडियो लेना मैं भूल गई थी, बट वो सेम साइज़ था जो छोटा वाला रूम दिखाया ना आपको उसका ही जैसा था, बिल्कुल सेम साइज़, थोड़ा डेकोरेशन अलग सा था, बस यही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे, बाई।